मैं कर दूंगा, एलजी साहब मैं कर दूंगा वो काम, मुझे सीबीआई इंक्वायरी नहीं, आप छोड़ दो कुर्सी, एलजी साहब छोड़ दो कुर्सी, जामीन साहब दीजिए, मैं कर दूंगा, एलजी साहब मैं कर दूंगा वो काम, मुझे सीबीआई इंक्वायरी, मुझे सीबीआई में बिठाओ, मेरा नाम है निसार अहमद, मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में रहता हूँ, मुझे सीबीआई इंक्वायरी में बिठाओ, मैं दूध का दूध और पानी का पानी 24 घंटे के अंदर अंदर निकालूंगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया मुझे फांसी दे दो, ऐसा काम क्यों नहीं कर दिया जो सीबीआई के काम से नहीं रखा है। अगर एलजी साहब ने इसमें 3 मेंबर कमेटी का आना चुटकी है तो उस कमेटी का 1 महीना दिया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है 4th महीना चल रहा है लेकिन कमेटी इस तरह से मस्त नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि हकदारों का हक मिले, मेरिटोरियस कैंडिडेटों का हक मिले, हम कश्मीर घाटी से और जम्मू घाटी से लड़के यहाँ पे आए हैं महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर, हम तब तक अपना कश्मीर वापस नहीं जाएंगे जब तक एलजी साहब इस पर ट्वीट नहीं करेगा कि इसको कैंसिल कर देगा। हम चाहते हैं कि ये रिक्रूटमेंट फिर से शुरू होना चाहिए, इसको खत्म ही कर दो, जिन चोरों ने चोरी की, जिन दलालों ने दलाली की, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, अगर गवर्नर साहब से मैं खुद मिला हूँ, उसने कहा यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, एक स्टेटमेंट में यह कहा कि उसने कहा जब से मैं जम्मू कश्मीर यूटी का एलजी बना हूँ अगर मेरे संज्ञान में कोई भी भ्रष्टाचार हुआ तो मैं यहाँ से यूपी छोड़ दूंगा। गवर्नर साहब अगर मैं आपको प्रूफ करके दूंगा तो आप छोड़िए जम्मू कश्मीर, अगर आपको जम्मू कश्मीर चलाना नहीं आता तो छोड़ दीजिए जम्मू कश्मीर। 2013 से 2022 तक हम गुहार लगा रहे, हमें इंसाफ दे दो, हमें कोई शौक नहीं है श्रीनगर से यहाँ जम्मू आने का, कोई शौक नहीं है, हम मेरिटोरियस कैंडिडेट है, हम डबल पीजी, मैंने डबल पीजी किया, मैंने डबल एमकॉम किया, हमें शौक नहीं है, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट कर दिया, हम एजुकेटेड यूथ है, उन लोगों ने हमें फुटबॉल की तरफ खेला, कभी इधर कभी दाएं कभी बाएं, आज हमने वादा किया हम जम्मू कश्मीर से, हम श्रीनगर जम्मू से वापस नहीं जाएंगे जब तक एलजी साहब इस पे बात नहीं करेगा।